दरअसल हम लोग अभी खड़े हैं बेवक के शहीद मेले पर, जो मैनपुरी जनपद के एक छोटे से कस्बे पर लगता है, जो जिसका नाम बेवर है। और चूंकि यहाँ पर 15 अगस्त 1942 को 3 शहादतें हुई थी, जिनमें एक 14 वर्ष के विद्यार्थी कृष्ण कुमार थे, जमुना प्रसाद त्रिपाठी और सीताराम गुप्त। इन तीनों लोगों की शहादत 15 अगस्त 1942 को ही, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कि उसी दिन हमें आज़ादी भी मिली। तो जब ये शहादत हुई तो उस वक्त जो टीम थी, जो उस वक्त के गवाह थे, उनमें कॉमरेड जगदीश चंद्र त्रिपाठी, जो आगे चलकर यहाँ विधायक रहे, उन्होंने सोचा कि जब एक पंक्ति लिखी हुई है कहीं, एक शेर है कि शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन दो पंक्तियों से प्रेरित होकर उन्होंने 1972 में एक शहीद मेला शुरू किया, जो शने शने आगे बढ़ता हुआ आज 19 दिन का शहीद मेला है। साथ ही उन सारी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए एक शहीद मंदिर का भी निर्माण किया। हम लोग अभी इस वक्त शहीद मंदिर में बैठे हुए हैं। ये जो पूरा वीडियो है, इसमें शहीद मंदिर है, और शहीद मंदिर में चूंकि 26 मूर्तियां लगी हैं, जो आज़ादी के महानायकों की हैं, जिसमें 5 शहीद हैं, जिसमें एक शहीद गेंदालाल दीक्षित भी हैं। गेंदालाल दीक्षित जी ने चंबल के सारे बागियों को एक साथ इकट्ठा कर एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया था। एक अंग्रेज़ों को चुनौती देने की कोशिश की थी, उसके ऊपर एक शोधपरक किताब भी आई है, मातृवेदी के नाम से उनका संगठन मातृवेदी था। तो उन्होंने चंबल के सारे बागियों को इकट्ठा किया और मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से वो केस मशहूर हुआ उनका। तो ऐसे ऐसे महानायकों की प्रतिमाएं लगी हैं, बेवर के तीनों शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं, साथ के साथ इसमें 26 प्रतिमाएं हैं जो अनेक अलग अलग जगह के बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, वो सब सारी प्रतिमाएं हैं। और हम लोगों का पूरा एक सोच है कि आज़ादी के महानायकों ने जो सोचा है, जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों के साथ हमें आगे बढ़ना है, उनके विचारों को सदैव आगे बढ़ाना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि हमारे शहीदों ने क्यों जान दी, उन्होंने अपनी जवानियां इस देश के फांसी पर हंसते हंसते क्यों कुर्बान की। इसीलिए ये शहीद मेला, शहीद मंदिर, ये पूरा एक मिशन आगे बढ़कर पूरे देश में जाने को तैयार है। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।